दोस्तों आपको फिलहाल गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की हालत के बारे में तो पता ही है, वैकेंसीज आ नहीं रही, जो आ रही है वो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो फिलहाल एक ऐसी वैकेंसीज निकली हुई है, जी हां मैं बात कर रहा हूं ICMR वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर LDC UDC स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 28 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर 2023 रखी गई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों वैकेंसीज बहुत ही लिमिटेड है। LDC की पोस्ट के लिए केवल 2 वैकेंसीज है, 12 पास कैंडिडेट एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 3 वैकेंसीज है, यहां पर भी 12 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर UDC की पोस्ट के लिए केवल 2 वैकेंसीज है, सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट के 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। आपकी जो एज कैलकुलेट होगी वो उस दिन तक होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहीं पर बात करें फॉर्म फीस के बारे में, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹300 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। बाकी एसटी एससी पीएच कैटेगरी या फिर वुमेन कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया गया, इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। केवल 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। फर्स्ट स्टेज में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 100 ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से आपका बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश रहेगा, साथ ही बेसिक साइंस से क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पर एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद पोस्ट वाइज स्किल टेस्ट होगा, जिसमें से यूडीसी एलडीसी की पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग के लिए 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, हिंदी वालों की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नहीं चाहिए, लेकिन इसकी मिनिमम मार्किंग 20 मार्क्स रखी गई है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 मार्क्स लाने होंगे। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी। वहीं पर स्टेनोग्राफी टेस्ट को भी क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। 30 नंबर का आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट आने वाला है। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर, आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। फाइनल मेरिट आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी, 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। एलडीसी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद 34,000 आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी, फाइनल सैलरी 80,000 रहेगी। यूडीसी और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपकी शुरुआती सैलरी 40,000 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। फाइनल सैलरी इन दोनों पोस्ट के ऊपर 95,000 हो जाएगी। जॉब प्रोफाइल के बारे में अगर हम बात करें, सभी की सभी पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेंगे। अपने होम स्टेट में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, देखिए दोस्तों ICMR का एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है NCDIR यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रह सकते हैं, पोस्टिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। देखिए दोस्तों ये मैं भी मानता हूं कि पोस्ट वाइज वैकेंसीज काफी कम है, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं है, कोई बड़ी और नई यूनिक वैकेंसीज निकल नहीं रही है। फिलहाल जो आपके हाथ में है आपको उसके लिए ट्राई करना चाहिए। एसटी एससी फीमेल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए, इसलिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, आपको एग्जाम के लिए ट्राई करना चाहिए। बाकी अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तैयारी करते रहिए, और इस टाइप के एग्जाम के लिए भी ट्राई करते रहिए, क्योंकि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस काफी कम है। मुझे पता है काफी सारे लोगों को तो मेरी वीडियो के बाद ही इस वैकेंसी के बारे में पता चला होगा कि फिलहाल ICMR के अंदर भी कोई वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर्म में और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। बाकी सारी जानकारी और नोटिफिकेशन आपको ICMR के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई और लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।